वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जिन महिलाओं की अहम भूमिका रही थी उनमें डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का नाम भी प्रमुखता से आता है। आजाद हिंद फौज में अहम भूमिका निभाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की आज जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पद्म विभूषण डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 1914 में एक परंपरावादी तमिल परिवार में हुआ। उन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे 1940 में सिंगापुर चली गई। उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए एक चिकित्सा शिविर लगाया जहां वे गरीब भारतीयों का इलाज करने लगी। साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस से लक्ष्मी सहगल की मुलाकात हुई। इस दौरान आजाद हिंद फौज में वे शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का गठन किया गया। 500 से ज्यादा महिलाएं रेजिमेंट के साथ आ जुड़ी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की नेतृत्व क्षमता और कुशल संगठनकर्ता की वजह से वे कैप्टन नाम से प्रसिद्ध होने लगी। बाद में आजाद हिंद फौज में कर्नल का औहदा भी उन्हें मिला, लेकिन वो कैप्टन लक्ष्मी के नाम से ही लोकप्रिय रही। जापानी सेना के साथ कार्य करते हुए ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1946 तक वे बर्मा की जेल में रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ते दबाव के चलते बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और आजादी के बाद भी एक डॉक्टर के रूप में उनका सेवा कार्य जारी रहा। 1947 में कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी करने के बाद वे कानपुर में बस गई। मेडिकल प्रैक्टिस करने के साथ ही विभाजन के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों की उन्होंने सेवा की। 1971 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने राज्यसभा में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में जहां उन्होंने राहत कार्यों में भूमिका निभाई, वहीं 1984 में सिख दंगों के समय कानपुर में शांति स्थापित करने में भी सक्रिय रही। 1998 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2002 में उन्होंने वाम मोर्चा की ओर से APJ अब्दुल कलाम के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे हार गए। उनके समर्पण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 92 साल की उम्र में भी वे कानपुर में अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रही थी। आजीवन राष्ट्र की सेवा में तत्पर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने कानपुर में 23 जुलाई 2012 को 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।